हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी वाले बच्चों के लिए बीपीएचसीटी 137 यानी कि वेव एंड ऑप्टिक्स का क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स के अंदर आप लोगों को टोटल 14 यूनिट्स पढ़नी है और जो लेक्चर्स पढ़ोगे वो भी कितने होंगे, आपके टोटल 14 ही लेक्चर्स होंगे। मतलब एक लेक्चर्स के अंदर आपका एक यूनिट कम्प्लीट फिनिश होने वाला है। और इस कोर्स के अंदर आपका क्या फिनिश होएगा, इस कोर्स के अंदर हम सभी यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो भी हम इसी कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लॉक फर्स्ट, वेव एंड इंट्रोडक्शन का यूनिट फर्स्ट, इसका नाम है वेव मोशन। और आप सभी जानते हैं इस कोर्स के अंदर टोटल 14 लेक्चर्स हैं, जिसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट। और लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर हम कंप्लीट फिनिश करेंगे आपका यूनिट नंबर फर्स्ट। और इस यूनिट फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, आपके यूनिट फर्स्ट में जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यूनिट फर्स्ट के अंदर से जो भी आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए होंगे उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम लोग आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका दे रखा है यूनिट फर्स्ट वेव एंड मोशन। यहाँ पे हम लोगों को टोटल 6 टॉपिक पढ़ने हैं। टॉपिक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करके एक बात आप लोग समझ लीजिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं। इससे पहले जो क्रैश कोर्स कराया था उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी, उसको हमने यहाँ सॉल्व किया है। वो है क्या, लिख लीजिए। जैसे ही अभी हमने आपको बताया कि आपका एक यूनिट फर्स्ट है, तो पूरा यूनिट फर्स्ट आपको जो कम्प्लीट होने वाला है लेक्चर फर्स्ट में कम्प्लीट होगा, क्योंकि यूनिट फर्स्ट के सारे टॉपिक हम लोग एक ही लेक्चर में कवर करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो का जो साइज है, लेक्चर फर्स्ट का जो साइज है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसको अपलोड करने में दिक्कत हो रही थी काफी, और बच्चों को देखने में दिक्कत हो रही थी एक साथ इतनी लॉन्ग वीडियो को। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे यूनिट को पढ़ाएंगे तो एक ही लेक्चर्स में, लेकिन उसको कई पार्ट में डिवाइड करके अपलोड करेंगे। जैसे आपके इस यूनिट फर्स्ट के अंदर टोटल कितने हैं, 6 टॉपिक है, तो यूनिट फर्स्ट की टोटल 6 वीडियो आएगी, समझ रहे हो। यानी कि ये वाली जो वीडियो होगी लेक्चर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट होगा, ठीक है। सेकेंड जो आपका सेकेंड जो टॉपिक होगा वो आपका लेक्चर फर्स्ट का पार्ट टू होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, लेक्चर फर्स्ट का पार्ट थ्री होगा। सेम इसी तरीके से बाकी के टोटल हमारे पास 6 पार्ट होंगे, किसके अंदर, लेक्चर फर्स्ट के अंदर, ताकि वीडियो का साइज भी छोटा आ जाए और बच्चों अपलोड करने में आसानी हो और बच्चों को भी पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो अपने यूट्यूब का आप लोग नोटिफिकेशन ऑन रखना, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी आपको ये सारे लेक्चर एक साथ मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा इसे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वेव। आप लोगों को वेव की डेफिनेशन समझनी है, उसके एग्जांपल समझने और वेव के जो टाइप है वो देखना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, वेव का टाइप। वेव के दो टाइप पढ़ोगे, पहले मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं। नेक्स्ट, इससे पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन एग्जाम्पल को समझिए, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैकेनिकल वेव वो वेव है जिसको मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव है जिसे मूव करने के लिए हमें मीडियम नहीं चाहिए होता है। अभी हम इसकी डेफिनेशन एग्जांपल सब कुछ सीखेंगे साथ के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले वेव की डेफिनेशन, वेव किसे कहते हैं। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस का मतलब होता है हलचल, डिस्टर्बेंस का मतलब समझ रहे हो ना, हलचल, ठीक है। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, मीडियम से मतलब क्या है, मीडियम से मतलब है सॉलिड, लिक्विड या फिर आपका गैस, ठीक है। तो अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट कैरी एनर्जी, जो एनर्जी को लेकर जाती है विदाउट अ नेट मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। आराम से सुनना, वेव क्या है, वेव एक तरीके का डिस्टर्बेंस है जो किसी मीडियम में होता है और वो वेव कैरी करती है, लेकर जाती है किसको, एनर्जी को लेकर जाती है, किसके थ्रू, मीडियम के थ्रू लेकर जाती है, और विदाउट विदाउट नेट मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल का मोमेंटम नहीं होता है। अब पार्टिकल का मोमेंटम नहीं होता है, इसका मतलब क्या वो समझ लीजिए, आपको याद करने में आसानी होगी। यहाँ पर आपको एक हैंड दिख रहा होगा, ये आपने कई बार घर पे किया होगा, जब भी आप अपने हाथ में किसी रस्सी को पकड़ के हिलाते हो तो रस्सी कुछ इस तरीके से मूव करती है ना, और आप लोगों को लगता है कि रस्सी आगे बढ़ रही है, ध्यान से सुना जरा, आप लोगों को लगता है कि रस्सी आगे बढ़ रही है ना। आप जैसे मान लीजिए एक रस्सी दे रखी है, आपने इस रस्सी को हिलाया तो रस्सी कुछ ऐसे करती है और आपको लगता है कि रस्सी आगे बढ़ गई है, लेकिन ये रस्सी आगे नहीं बढ़ती, ये केवल क्या होता है, एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है। अब कैसे आगे नहीं बढ़ती उसका मतलब देख लो, मान लीजिए आपने रस्सी में
जैसे कि इस पॉइंट पर एक मार्क कर दिया, उसका नाम क्या रख दिया आपने, ए रख दिया। इस पॉइंट पे आपने एक मार्क कर दिया, उसका नाम क्या रख दिया आप लोगों ने, बी रख दिया। इस पॉइंट पे आपने एक मार्क कर दिया, क्या रख दिया, उसका सी रख दिया। और जब आप इस रस्सी को मूव कराते हो और आप देखोगे ये मार्क जो होता है, एक तो एक बार ऊपर जाएगा, एक बार फिर वो नीचे जाएगा, पहले ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा फिर वो नीचे जाएगा। बी वाला पार्ट भी देखिएगा, ये ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा फिर नीचे जाएगा, यानी रस्सी का ये वाला जो पार्टिकल इसे हमने मार करके पकड़ लिया था, मार करने का ये मतलब है ना कि हमें वो पार्टिकल दिखाई दे रहा है, तो रस्सी का ये वाला जो पार्टिकल है वो आगे तो मूव नहीं करता है, आगे तो मूव नहीं करता, लेकिन अपनी ही जगह पर अप डाउन करता है, ऊपर और नीचे। क्लियर ही बात। सेम अगर आप इसकी बात करो, मान लीजिए पानी देखा है ना, कोई स्टेबल पानी, आप स्टेबल पानी के बीच में पत्थर फेंकते हो तो आप देखोगे ये इस सेंटर से चारों तरफ ऐसी ऐसी वेव या ऐसी हलचल निकलती है, ऐसी डिस्टरबेंस निकलता है, इसे डिस्टरबेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हो। अब आपको लगता होगा ये पानी आगे, लगता है कि ये पानी आगे बढ़ रहा होगा, पानी आगे नहीं बढ़ता, इसकी एनर्जी आगे बढ़ती है, जो आगे एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है। कैसे आप लोग फील करोगे, आप पानी के इस किसी भी एक पार्ट में एक लकड़ी का टुकड़ा रख दो, लकड़ी का एक पीस रख दो, आप देखोगे लकड़ी का ये पीछे अपनी जगह पर अप डाउन होगा, अपनी जगह पे क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, अपनी जगह पे ऊपर नीचे मूव करेगा, लेकिन ये लकड़ी का टुकड़ा आगे नहीं बढ़ता है, थोड़ा बहुत ट्रांसफर करता है, उसके बारे में डिटेल में बात बाद में करेंगे, लेकिन मेनली क्या होता है, लकड़ी का जो पीस है वो ऊपर नीचे अप डाउन करेगा, ठीक है, ऊपर नीचे अप डाउन करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी वेव के पार्टिकल मूव नहीं करते, पार्टिकल मूव नहीं करते, केवल एनर्जी ही मूव करती है, वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अब आप देख लो दोबारा से, आप लोग समझ जाओगे बहुत इजीली से, ठीक है, याद कर लेना इस डेफिनेशन को अच्छे से। क्या कहा इस डेफिनेशन में, डेफिनेशन का, अ वेव इज अ डिस्टरबेंस, एक हलचल है किसी मीडियम में, दैट कैरी एनर्जी, जो एनर्जी को कैरी करती है, लेकर जाती है, विदाउट नेट मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल मोमेंटम नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछा कि वेव की एग्जाम्पल बताओ, तो आप वेव की एग्जाम्पल बता दो, वॉटर वेव, जो वॉटर वेव दे रखी है ये एक वेव का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल बता दो, वेव इन स्ट्रिंग, रस्सी में ना वेव इन स्ट्रिंग, ये भी क्या है आपके वेव के ही एग्जाम्पल है। और अब बहुत अच्छी जा रहा है ना कि एनर्जी मूव करेगी लेकिन पार्टिकल जो होता है मूव नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वेव दो टाइप की थी, हमने अभी आपको बताया था, फर्स्ट क्या हमारे पास मैकेनिकल वेव, ठीक है, मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन देख लीजिएगा। अ मैकेनिकल वेव इज अ वेव दैट इज ऑसिलेशन, ऑसिलेशन वर्ड का क्या मतलब है, अभी जो हमने आपको बताया ना, अभी हमने आपको क्या बताया कि कोई भी पार्टिकल अपने ही प्लेस पे क्या होता है, अप डाउन करता है। इसे रफ करके नेक्स्ट कर लेते हैं कि कोई भी जो पार्टिकल होगा वो अपने ही प्लेस पर ऊपर जाएगा और नीचे, यानी अपने ही प्लेस पर लेफ्ट राइट या फिर अप डाउन करेगा, यानी अपने ही प्लेस के अप डाउन करेगा। इसी मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं, ये बात ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं उसे, ऑसिलेशन बोलते हैं। तो वापस बैक डेफिनेशन पे हम लोग आते हैं, ठीक है, वापस हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। अगेन क्या दे रखा है, अ मैकेनिकल वेव इज अ वेव दैट इज ऑसिलेशन ऑफ मैटर, मैटर का मतलब पता है, एंड इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, अभी तो बताया था, ये क्या कहती है, एनर्जी का ट्रांसफर करती है थ्रू अ मीडियम, मीडियम के थ्रू ट्रांसफर करती है, ठीक है। और अगर कोई पूछते मैकेनिकल वेव की एग्जाम्पल बताओ, ये जो दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, वॉटर वेव और दूसरा क्या दे रखा है, स्ट्रिंग वेव, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये दोनों मैकेनिकल वेव की एग्जाम्पल है। और ध्यान रखना, मैकेनिकल वेव में एनर्जी ट्रांसफर होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी, लेकिन पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते हैं, लेकिन ये सब किसके थ्रू होता है, मीडियम के थ्रू ही होता है, किसके थ्रू, मीडियम के थ्रू। और मीडियम कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और आपका गैस, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, हाँ बच्चों गैस का जरा याद रखना, गैस की हम बात करें, गैस हमारे पास आ जाएगा, आगे डिटेल में पढ़ेंगे गैस से रिलेटेड क्या बात है, लेकिन आपके मेन जो है सॉलिड और लिक्विड के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं वो देख लीजिएगा। आप लोगों ने इससे पहले 133 का कोर्स पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का, वहां पे एक टॉपिक है, अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ध्यान रखिएगा,
अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज होगा। सुनो ध्यान से, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होगा, यानी एक दूसरे का एक दूसरे पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इन दोनों के चेंज होने से, इन दोनों के आपस में चेंज होने से एक नई टाइप की वेव बनती है, उस वेव को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल इंड्यूस, इंड्यूस मतलब पैदा करना, बनाना, कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज होगा। सेम वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब है सेम, वाइस वर्सा इसे बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज और इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज तो मैग्नेटिक फील्ड में, यानी एक दूसरे का इफेक्ट पड़ना, उसे बोलते हैं वाइस वर्सा। ठीक है, दिस चेंजिंग फील्ड फॉर्म अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से एक वेव बनती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। क्लियर है ये? और यहाँ नेक्स्ट कहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मूव करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डोंट रिक्वायर मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोपेगेट का मतलब होता है मूव करना। ठीक है, अब आपको डेफिनेशन पता होगा, डेफिनेशन पता है, इसके एग्जाम्पल पता है, डिफरेंसेस आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या देखा है, जो रेडियो, आप जो रेडियो सुनते हो, रेडियो में जो वेव मिलती है उसको बोलते हैं रेडियो वेव। रेडियो में जो वेव आती है जिसके थ्रू आपको आपको जो सुनाई देता है उसे बोलते हैं रेडियो वेव। आप जो ओवन यूज करते हो, जो माइक्रोवेव यूज करते हो, उसमें जो उससे जो वेव निकलती है उसे बोलते हैं माइक्रोवेव। टीवी के रिमोट, फ्रिज के रिमोट, किसी भी के जो रिमोट होते हैं उसमें जो वेव निकलती है उसे बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल है। लाइट से जो वेव निकलती है उसे बोलते हैं विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल ही है। अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है जो सन से निकलती है वो भी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल है। एक्सरे जो आप हॉस्पिटल में कराते हो वो भी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एग्जाम्पल है। गामा रेज जो न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलती है जिससे हम बिजली बनाते हैं वो भी क्या हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल है। अब आपको मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डिफरेंस पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल, डेफिनेशन सब पता है। वीडियो को बैक करना, आपको समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की, जो अभी हमने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर दे रखा है दिसंबर 2021 का। ठीक है, अभी हमने जो एक टॉपिक पढ़ लिया है उस एक टॉपिक से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आ रखा है। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताना है। हमने वेव से रिलेटेड सब कुछ बता दिया कि वेव किसे कहते हैं, बच्चों ध्यान सुनना, वेव किसे कहते हैं और इसके जो भी टाइप है, आप पूरा पढ़ के आना, एग्जाम में चेंज होकर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और हमने इसमें क्या बता दी, डेफिनेशन भी बता दिए, एग्जाम्पल भी बता दिए, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल भी बता दिए और डिफरेंस भी बता दिए कि दोनों वेव में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अभी एग्जाम में आप एग्जामिनर ने ये पूछा डिफरेंस, बाकी चीजें भी आप याद रखना, बाकी आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये देखा हमारे पास अटेम्प्ट एनी टू डिफरेंस मैकेनिकल वेव और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हमने पूरा पढ़ा दिया, इसे आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेकंड टॉपिक।